वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। यह एक साइंटिफिक चैनल है जिसमें कि आपको हेल्थ संबंधित खास करके डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हाइब्रिड फूड का, ये किस तरह से अलग अलग बीमारी क्रिएट करता है। आज बात करेंगे हाइब्रिड फूड को कैसे क्लासीफाई करें। हाइब्रिड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में एक तो प्लांट बेस्ड फूड है, दूसरा एनिमल बेस्ड फूड है। एनिमल बेस्ड फूड मोटा मोटी आप समझिए कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन होता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड फैट होता है, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है बशर्ते कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट के। तो हम लोग प्लांट से जो भी प्राप्त करते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं या सोयाबीन खाते हैं आप, और बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड दाल वगैरह मिलता है मार्केट में, वो सब उतना हानि नहीं करेगा जितना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन करेगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन क्या क्या है, वो है चिकन सबसे पहला, दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन तेल। सोयाबीन तेल जो आप लोग खाते हैं मार्केट में रिफाइंड तेल के नाम से आता है, वो फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम लोग दूध खाते हैं, जैसे दूध में जर्सी गाय का दूध, ये जर्सी गाय का दूध भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे डायबिटीज़ तो शुगर बढ़ने से होता है, इसमें तो इंसुलिन की कमी होती है, ये सब फैलाया गया अफवाह है। मतलब देखिए, एक अफवाह के अंदर में दूसरी सच्चाई को ढक दिया जाता है। फूड इंडस्ट्री जो होता है, फूड इंडस्ट्री कुछ कुछ फूड बनाता है और इसके बाद मेडिकल इंडस्ट्री उसको प्रमोट करता है। जैसे कि आपको टीवी में प्रचार देखते होंगे, रोज़ खाएं अंडे, संडे हो या मंडे, ये सब प्रचार किस लिए दिया जाता है? ये सब प्रचार ये झूठ को छुपाने के लिए दिया जाता है कि वो अंडा आपके लिए हानिकारक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड अंडा वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्यों हानि, कैसे हानि करता है? आखिर वो भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास बात होता है जो कि ये शरीर के लिए हानि करता है? इस बात पर डिटेल्स में हम आपको वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटी समझिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी प्रोटीन होता है वो बॉडी के लिए डाइजेस्टिबल नहीं होता है और आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पैथोजन की तरह मानता है। इससे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनता है, इससे बहुत सारा ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। आप जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज देख रहे हैं, SLE, डायबिटीज टाइप 1, IgA नेफ्रोपैथी, सोरियासिस, बहुत और भी बहुत सारा रोग होता है जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में गैस्ट्राइटिस वगैरह का फीचर होता है, ब्रेन में अल्जाइमर डिजीज, इवन बच्चा में जो ऑटिज्म वगैरह होता है उसको भी ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज का लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये सभी किसी न किसी वे में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोटीन्स है जो आप दूध से प्राप्त करते हैं, चिकन है, अंडा है, रिफाइंड तेल है, मतलब जिसमें तेल और प्रोटीन, ये दोनों आपके लिए ज़्यादा खतरा है बशर्ते कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियों के, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ना कि प्रोटीन का। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो और हमारे चैनल्स में और भी अपडेट आएंगे, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं डायबिटीज के बारे में स्पेसिफिक, तो आप हमें कमेंट करें। तो इस चैनल को फिर बने रहिए, आपका बहुत ही इससे बेनिफिट आपके हेल्थ में ये वीडियो आपको देगा। धन्यवाद।